आप सभी को नमस्कार। मैं आज आप सबके समक्ष लाहौल का एक स्पीति का जो विधायक के अगेंस्ट एक भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आया हूं, जिसके ऊपर मेरे पास जो है कागजात भी प्रमाणित कागजात पड़े हैं, मैं आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। साथ में एक साल का कार्यकाल लाहौल स्पीति का विधायक का रहा है। हर दिन गली कूचे में हर जगह चर्चा हुआ करता था कि लाहौल स्पीति का विधायक पूरे लाहौल के अंदर पैसे का अगुवाई कर रहा है, भ्रष्टाचार फैला के बैठा है, हर विभाग के अंदर कमीशन फिक्स करके बैठा था, उनका अपना एक रूप मीडिया चला, और उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का ही महामंत्री संजय कटोच उन्होंने को निकाला। उसे स्पष्ट लिखा गया है कि व्यक्ति जो है, मैं आपको ये सारे पत्रकारों को इस कागज देने वाला हूं प्रमाण के साथ, कहा गया कि ये व्यक्ति जो है पैसे इकट्ठे कर रहा है, उगाही कर रहा है, और सोशल मीडिया पर डाला गया, सब अधिकारियों को लाहौल स्पीति के अधिकारियों को भेजा, और मुझे किसी अधिकारी के माध्यम से मिला। उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद आशीष शर्मा ने द्वारा फिर से खंडन किया कि मैंने कहीं पैसे इकट्ठे नहीं किए, कहीं नहीं लिया। वो कहता है लाहौल स्पीति कांग्रेस के महासचिव संजय कटोच ने हाल ही में मुझ पर यह आरोप लगाया था कि आशीष शर्मा रवि ठाकुर के नाम पर लोगों से पैसा ले रहा है, जिससे सिरे से खारिज करता हूं। यही नहीं, उन्होंने ये भी अपने पोस्ट में लिखा था कि आशीष शर्मा का अब रवि ठाकुर से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही शब्दों में कहना चाहूंगा भी आगे लाए जो ये कहें कि आशीष ने रवि ठाकुर के नाम पे पैसे लिए हैं। जिस व्यक्ति ने आपके साथ दिन रात काम किया हो, आज आप इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। जनता को सब पता है ठेकेदारों से कौन पैसे लेता है, ठेकेदारों के ठेके के नाम पर हर जगह पैसे लोगों ने कमीशन फिक्स कर रखी है नीचे से ऊपर तक। ये आशीष शर्मा लिखता है कि लाहौल स्पीति के अंदर जितना उगाही हो रहा है, जितना विभागों पे, आगे विभागों के नाम विभाग भी लिखा है विभागों के नाम पे, ये सारे जो है रवि ठाकुर करता है, प्रमाणित हो चुका है। लाहौल स्पीति में आज तक कभी ऐसा इतिहास नहीं रहा है। लाहौल स्पीति में आज तक जितने नेता रहे हैं कभी इस तरह से लांछन नहीं लगे हैं। पहला व्यक्ति है, इससे पूर्व कई भी लांछन लगते रहे हैं। कई जगह कहा जाता था अधिकारियों के नाम पे कि अधिकारियों से पैसे बटोर रहा है, अधिकारियों ट्रांसफर लगातार। स्पीति में तीन तीन एक्सिम पीडब्ल्यू के ट्रांसफर हुए, लाहौल में दो दो आईपीएस के तीन एक्सिम ट्रांसफर हुए। अधिकारियों को ट्रांसफर करना पैसे का उगाही होता रहा है, परंतु जिससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के अंदर जो है उसका अपना प्राइवेट सेफ्टी को रखा, पीए रखा, ड्राइवर रखा, जो वो काम करता था उसे निकाला गया भ्रष्टाचार के नाम पर। मैं स्पष्ट रहे क्या कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि रवि ठाकुर का ये पेशा रहा है। यहां मैं दो पत्र लेके आया हूं, एक पत्र मैं आपको देने वाला हूं। रवि ठाकुर ने 26 अक्टूबर को एक पत्र मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है। इसमें ये कहता है कि लाहौल स्पीति के अंदर आईपीडब्ल्यू विभाग के अंदर जो है बहुत से ठेके लग रहे हैं, और वो जो इसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं पाई गई है, इसको बंद किया जाए, कि वहां पर कमीशन ही मिला करता था। उसके बावजूद कम से कम जो है लाहौल का बजट 81 करोड़ का बजट, पीडब्ल्यू का बजट है 80 करोड़ का टेंडर लग चुका है। दुख इस बात का है, 60 करोड़ रुपए का लाहौल स्पीति में लाइबिलिटी खड़ा हो चुका है। मैं इसे आरटीआई लगाने जा रहा हूं बहुत जल्दी कि ये किस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा लाहौल के स्पीति के अंदर। और स्पीति के अंदर दुख का विषय यह रहा है, दो दो एक्सिन, एक एक्सिन को स्पीति आपका रामपुर रखा गया, पीडब्ल्यू का एक्सिन, वहां से वो मोनिटरिंग कर, वहां से वो चला रहा है स्पीति को, 4 महीने में ट्रांसफर किया जाता है। फिर एक्सिन जो है कल्पा रखा है, कल्पा से स्पीति को देखता रहा। और रवि ठाकुर ने एक चीज और कहा चुनाव के समय में, भी पत्र आपको लेकर देख रहा हूं। रवि ठाकुर कहता रहा कि लाहौल स्पीति के अंदर मारकंडे के समय में जब मैं मंत्री था कि उस समय जो है रोड वाइंडिंग हो रहा, बैक कटिंग हो रहा है, ये रोड वाइंडिंग रोड कटिंग क्यों होता रहा है लाहौल के अंदर,
इंटरनेशनल लेवल का जो मैंने वहां पर जो है आइस स्केटिंग करा था, 4 साल निरंतर कराया हमने, स्केटिंग वहां कराया हमने। मेरे लाहौल के स्पीति के बच्चे जो है नेशनल लेवल थर्ड सेकंड पोजीशन में रहे हैं, आइस स्केटिंग के लिए जो है जापान तक पहुंचे हैं, स्कीइंग के लिए स्केटिंग के लिए। और रवि ठाकुर जैसे मेले बना, आज सारे पीडब्ल्यू के अंदर बैक कटिंग काम हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? मेरे समय मैंने बैक कटिंग का काम नहीं किया, क्यों किया है? क्योंकि वहां पर जो है ब्राउन बियर के लिए नेशनल लेवल के लोग वहां पहुंचते थे, हमने सनो राइडिंग वहां कराया है, रोड का सड़कों का वाइंडिंग होना जरूरी था। और वहां पर जो है मैं आज इस आपके मैं अनुराग ठाकुर का धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी हाल ही में उन्होंने रॉयल इनफील्ड और आयुषित कंपनी के माध्यम से जब 2-3 साल निरंतर जो है लाहौल स्पीति के अंदर नेशनल लेवल का आइस हॉकी वहां होता रहा है। पिछले साल सरकार परिवर्तन के बाद आइस हॉकी का काम बंद हो गया था, मैं उनसे दिल्ली मिला कि सर हम चाहते हैं, सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है, ना विधायक कुछ करने वाला, पैसा इनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने 25 लाख रुपए जो है लाहौल स्पीति के बच्चों के लिए हर गांव में, हम मेरे समय में वहां पर 6 जगह हमने आइस हॉकी के लिए जो है वहां पर फील्ड बनाए, ग्राउंड बनाए, खेलने बच्चों के लिए स्टफ्स बनाए, वहां तैयार किया, इसीलिए रोड चौड़ा किया गया था। मैं यहां स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय कहना चाहूंगा, इस व्यक्ति का तत्काल रिजाइन के लिए लिया जाए और बिजनेस इंक्वायरी बिठाई जाए। इतना भ्रष्टाचार आज का लाहौल स्पीति लाहौल जो है शर्मसार इस व्यक्ति ने किया है, हमें खेद दुख होता है, जिला रहा है जहां आज तक कभी पैसे की उगाही नहीं हुई है, कभी किसी पॉलिटिशियन पर चर्चा जो तरह से उंगली नहीं उठा है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति ने फिर लूटना शुरू कर दिया है, दुख होता है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, इसका बिजनेस इंक्वायरी हो और रवि ठाकुर का तुरंत रिजर्वेशन लिया जाए, वरना लाहौल स्पीति के कांग्रेस पार्टी के विरोध में हमारी पार्टी जो है सड़कों में उतरेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को के विरोध में काम करते हैं, अब मैं देखता हूं कितना वो काम करते हैं, किस तरह का डिजाइन लेते हैं। मैं आज से लाहौल स्पीति बात करना चाहूंगा, मेरे पास बहुत प्रमाण है, मैं अगले वक्त मिलूंगा आपसे, किस किस कैसे कि कहां किस किस अकाउंट के नाम पे पैसे, कहां पर अकाउंट नंबर, मेरे पास अकाउंट नंबर भी है, रवि ठाकुर के पास जो पैसे दिए गए अकाउंट में नंबर भी पास ही है, किस अकाउंट में पैसे दिए, मैं अकाउंट नंबर अगले बार दूंगा आपको। मैं इंतजार कर रहा हूं आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी कब तक इस पर एक्शन लेते हैं, नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर अब जो है विधानसभा का घेराव करने में लाहौल स्पीति से हम लोग पहुंचेंगे, निश्चित तौर पर हम ये भ्रष्टाचार से मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और ये व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार के नाम पर ही राजनीति में आया है, इसका इतिहास रहा है, पहली बार भी विधायक बना, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह के विरोध में लिखता रहा है, बोलता रहा है, अब सरकार बदला दो बदला है द्वारा, सुखविंदर सुक्खू जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने उसी दिन से बोलना शुरू कर दिया कि ये बच्चा है, इसके च्यूइंग करते बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ये नया पहली बार मुख्यमंत्री बना है जो काम करने पर अधिकारियों के विरोध बोलता रहा है। मैं इतना आज कहना चाहूंगा, मेरा आज मुद्दा भ्रष्टाचार का है कि इस व्यक्ति का रिजाइन करा जाए, ये सभी कागजात आपको दे रहा हूं, आप सबका धन्यवाद। कुछ पूछना चाहिए बताइए। डॉक्टर साहब, ये जो आरोप लगाए आपने, तो इसका कितना आंकड़ा है, कितना भ्रष्टाचार आपने असेस किया? वहां पर ये है कि पीडब्ल्यू आईपीएस के अंदर जो है वहां पर आप चर्चा करें कि हर परसेंट 10% रवि ठाकुर कमीशन लेता है, 10% कमीशन फिक्स करके रखा है हर विभाग के अंदर। जब मैंने जैसे आपको कहा, जब आपका 80 करोड़ रुपए का जो है टेंडर पीडब्ल्यू के अंदर लग चुका हो, आईपीएस के अंदर बजट कटौती 80% कटौती वास्ते लग चुका है, आज उस पर टेंडर धड़ाधड़ से लग रहे हैं, मैं कहूंगा करोड़ों का ये गेम है इनके पास, भ्रष्टाचार का जो है हर सरसीमा तोड़ चुके हैं ये लोग। आपने क्या इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की है, क्योंकि बिजनेस जांच की आपने मांग की है? अभी भी आज करूंगा मैं आज पहले प्रेस मीडिया से मिला हूं और मैं बिजनेस को भी दूंगा। अभी तक आपने बिजनेस को लेटर भी नहीं लिखा? कहीं नहीं लिखा मैंने तक। कितना भ्रष्टाचार लगता है, कितने पैसे का इसमें किया? मैं ये कहना चाहूंगा, जहां पर पीडब्ल्यू के अंदर 80 करोड़ का टेंडर लग चुका हो, 10% कमीशन लेकर ले चले आप, उससे पीडब्ल्यू आईपीएस के आंकड़ा कहां पहुंचता है बताइए आप। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सब प्रमाणित किया है कि उसका जो प्राइवेट सेफ्टी था पैसे इकट्ठे करता हुआ ही करता था, ये स्पष्ट हो चुका है। चर्चा तो गांव में होता था, सभी के अधिकारी कहते थे चर्चा हो रहा है,
अप्रमाणित प्रमाण प्रमाणित प्रमाण प्रमाणित है, ये प्रमाण कर, ये इसको प्रूव कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा है जिस पीए को रखा था वो पैसे का अगुवाई करता था, उसको निकाल दिया है, और पीए ने भी जवाब दे दिया है कि मैंने पैसे इकट्ठे नहीं किया, मैं जानता हूं पैसे उगाई है आप लोग खुद करते थे ठेकेदारी के नाम पे, नीचे से ऊपर तक उगाई करते थे। आपके टाइम में क्या व्यवस्था? हमारे टाइम में बजट जो था वो टेंडर होते थे, हमारे टाइम को भ्रष्टाचार आपका कहने का मतलब स्पष्ट कहिए, मैं टेंडर लगते थे, वो रवि के रिश्तेदार के होंगे, रवि के मैनेजर के होंगे। केंद्र में आपकी सरकार है, अन्य पार्टियों के विधायकों के ऊपर वैसे भी कार्रवाई हो रही है, क्या आप केंद्र को भी इस मसले में चिट्ठी लिखेंगे? मैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार से बात करूंगा, केंद्र का विषय केंद्र का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री कहता है कि मैं हम जो है ईमानदार हैं, अब मैं देखना चाहता हूं कितने ईमानदार है, क्या ये भ्रष्ट विधायक को बचाना चाहता है कि उनको रिजाइन कराएंगे? मैं शुरुआत यहां से करूंगा। डॉक्टर साहब, जैसे आप रिजाइन मांग रहे हैं यार, तो क्या आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय इस पे एक्शन लेंगे? जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय तो हर जगह